हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन मोर लेजर वीडियो। एंड ये वीडियो हम काफी लंबे टाइम बाद शूट कर रहे हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अपग्रेड दिखाने वाला हूं, जो कि हमने एक ओल्ड 5 इयर्स ओल्ड लेजर कटिंग मशीन के अंदर किया है। लेट मी शो यू द मशीन। कम दोस्तों, आप मेरे पीछे ये मशीन देख सकते हैं। एक्चुअली दिस इज अ 5 इयर ओल्ड मशीन, 5 साल पुरानी मशीन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कस्टमर ने इसको खुद बिल्ड किया है। दिस मशीन इज मेड बाय द कस्टमर इटसेल्फ, एंड वो भी 5 साल पहले। एंड दैट टाइम इसके अंदर एक रेकस का 500 वॉट का सोर्स था विद रेटूल BT240 कटिंग हेड, एंड जिसको हमने अब अपग्रेड करके 1.5 किलोवाट का कर दिया है। सो मैं कुछ इसी के बारे में आपको दिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं, दिस इज अ कस्टम मेड मशीन कंप्लीट। एंड अब हम फ्रंट पार्ट पे चलते हैं। लेट मी शो यू द सोर्स एंड कटिंग, एंड हम कस्टमर का फीडबैक भी लेंगे। दोस्तों, दिस इज द मशीन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एंड यू कैन सी दिस इज, यू सी BT240, ये हेड 2 किलोवाट तक का जो है लेजर हैंडलिंग सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 3 किलोवाट। एंड हमने इसको अपग्रेड कर दिया है विद 1.5 किलोवाट मैक्स लेजर सोर्स। एंड आप मशीन देख सकते हैं, दिस इज अ कस्टम मेड मशीन। एंड हमने इसमें बहुत सारे मटेरियल्स कट किए हैं, लाइक दिस इज, यू कैन से दिस इज आई थिंक 10 mm, दिस इज 12 mm माइल्ड स्टील कटिंग, एंड वी हैव 14 mm, हमने जो है दिस इज ऑल्सो 12 mm, हमने 14 mm तक का माइल्ड स्टील कट किया है, SS कट किया है इसपे, दिस इज 14 mm, दिस इज 14 mm कटिंग, एंड हमने इस पे SS भी कट किया। ओवरऑल कंप्लीट पैरामीटर सेट किए हैं ऑन दिस मशीन बिकॉज वी अपग्रेड दिस मशीन। ओके, सो लेट मी शो यू द सोर्स ऑल्सो। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो रखा हुआ है, दिस इज एन ओल्ड रेकस सोर्स 500 वॉट, एंड जो अभी हमने लगाया है उसके ऊपर दिस इज मैक्स सोर्स 1500 वॉट, जो कि हमने अपग्रेड किया है। ओके, सो दोस्तों, हमारे साथ में है मिस्टर आर प्रसाद, इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड अब हम इनका फीडबैक लेंगे अबाउट द लेजर सोर्स विच वी इंस्टॉल इन दिस मशीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक्स फॉर गिविंग अस ऑर्डर फॉर दिस मैक्स 1500 वॉट फाइबर लेजर सोर्स। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, लाइक आई एम इन दिल्ली एंड यू आर इन चेन्नई, एंड यू हैव टू मैनी डिफरेंट सप्लायर्स, लोकल सप्लायर्स ऑल्सो, व्हाई यू चूज अस, व्हाई यू चूज अल्ट्रा लेजर टू गिव दिस 1500 वॉट ऑर्डर? आई हैव सीन योर वीडियोस ऑन यूट्यूब। ओके, थ्रू दैट आई केम टू यू, यू केम टू यू। एंड इज द देर एनी लोकल फैक्टर नॉट इंक्लूडिंग इन योर केस, लाइक देर आर सम लोकल पर्सन? बिकॉज पीपल ऑल्सो थिंक्स टू मैनी टाइम दैट इफ द सप्लायर इज टू बी लोकल, इट विल बी गुड फॉर देम। Not like that actually. Mm-hmm. We have suppliers here, mm-hmm. but I need a potential people who can do it. That's it. That's it. Actually, dosto, ye trust humne pichle 5 saal mein build kiya hai ki hum Delhi hain and customer is in Chennai, and still they are giving us order just to see how we are doing the things. We are on our technical capabilities and on our skills which we implement on the machines. So. सर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि व्हाट इज द फीडबैक अबाउट द न्यू सोर्स, अबाउट द कटिंग एंड परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल? सोर्स इज गुड, ओके, कटिंग इज आल्सो गुड, ओके। व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस न्यू सोर्स इन द अपकमिंग फ्यूचर, फॉर लाइक बिफोर यू आर यूजिंग 500 वॉट, सो व्हाट इज योर व्यू टू टेक दिस 1500 वॉट सोर्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस? वी जस्ट अपग्रेडेड फॉर थिकनेस। Upgraded That's for it. Thickness. And how much thickness you are going to cut now regularly? Regularly we'll be doing around 12. Okay. You are regularly 10 and 12. So, dosto, sir is going to take orders for 10 and 12 mm regular cutting for mild steel. This is now this machine is capable of. And let me tell you one more thing. This machine gantry is on ball screw. This is not a rack and pinion machine. This is a ball screw machine, right? Yes. And sir, before 5 years, how do you came to onto that conclusion that you are going to make the machine by yourself? We just wanted to try something, try new, and use it for ourselves. Ah, that's great. We don't wanted to make any marketing on this. Uh huh. We wanted a good machine, solid yes. machine, so that I can upgrade. To the next level. To the next level. Using the same machine. Mm-hmm. Next we'll go for 3 kilowatt or okay. 4 kilowatt.
Okay. You can use this machine. Uh-huh. It is built in such a way that it is heavy. Yes. You yes. can handle too, heavy. Too heavy machine. Yeah. Yes. Dosto, this is a very heavy machine. It can handle up to 3 to 4 kilowatt of laser because it's a custom made machine. So very heavy machine. Ball screw mechanism, sir, is fitted for 5 years back because that time rack and pinion is that also available, but they because of precision, you get more precision in ball screw. That's why in Y1 axis, in Y2 axis, and in X axis also, all the three axes comes with a ball screw mechanism. So. Thank you guys, thanks sir to give such a positive feedback, and I hope we are going to do a good business in yes. future with you also. Thank you sir, thank you so thank much you. And thank you for trusting Ultra Laser Lab. Actually I want dosto main ek cheez aur kehna chahta hu ki sir pehle customer hain jinhone Ultra Laser ko order diya. Actually ab se pehle main SL mein tha, and that time I have installed too many machines, plenty of machines. But this is the first time I just started a new venture, Ultra Laser Lab, and I got my, even in just 2 and 3 days, I got my first laser source order, and that first person who gave me the order is Mr. R. Prasad. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving such support. And you have done a good job. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you so much. Okay guys, thank you. We will see you soon in our next video. If you like this video, is good and okay for you, you can like this video, share this video, subscribe, blah blah, and etc. Thank you.